यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिस्टम में फिर भी मैं आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दस दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस में आप अपना प्रोफाइल किस प्रकार से बना सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट पे दोस्तों आपको अपना आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। चलिए हम दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन कर देने के बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख के सर्च करेंगे। अब जैसे फ्लिपकार्ट लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों इसका पूरा नाम जो है फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से जो दोस्तों आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं कुछ भी ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों सिंपली आपको क्या कर देना है, इसे ओपन कर देते हैं। ओपन कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपको हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो है हमारा लॉगिन हुआ है तो चलिए हम जो इसे सबसे पहले लॉग आउट कर देते हैं। देख लीजिए दोस्तों लॉग आउट करने के लिए हम यहाँ पर लॉग आउट वाले बटन पर टैप करते हैं और यहाँ पर लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस दिस डिवाइस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। ऑल डिवाइस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। लॉग आउट सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा जा रहा है तो हमारा लॉग आउट हो चुका है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम इसे हटा देंगे। अब फिर से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए हम सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं दोस्तों। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो दोस्तों लॉग आउट किया इसलिए यहाँ पर कुछ अलग तरीके का इंटरफेस आ रहा है। तो दोस्तों आप जैसे लॉग आउट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन में भी कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो फर्स्ट बार ओपन कर देने के बाद जब तक आप लॉगिन नहीं करते हैं तो तब तक जो आपको इस प्रकार का इंटरफेस नहीं दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, चार नंबर पे अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको अकाउंट वाले बटन पर टैप कर देना है। अब जैसे अकाउंट वाले बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे जो आपको ऊपर के साइड में लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा। ये देख सकते हैं आप हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन है। आपको लॉगिन वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पर टैप करेंगे अब आपको इस वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो देख लीजिए हमारा ट्रू कलर के जरिए जो दोस्तों यहाँ पे ये एक्टिव हो चुका है तो हमें कंटिन्यू करने के लिए क्लिक किया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। अब कंटिन्यू तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों आप हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पे जो हमारा लॉगिन पूरी तरीके से हो चुका है। चलिए अब आपको आ जाना होम वाले पेज पे। होम वाले पेज पे आने के बाद दोस्तों अब आपको हम ये बताएंगे कि आप जो है कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कट कर देते हैं और कट कर देने के बाद दोस्तों आपको जो किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है, किसी एक ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए एक मिनट कि हमने जो है ये कोई सा भी जीन्स हम यहाँ पर से सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम ये वाला जीन्स सिलेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों फॉर एग्जांपल पे मान लीजिए ये वाला जींस जो हम यहाँ पे इसे ऑर्डर करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो यहाँ पे फिर साइज सेलेक्ट करने के लिए हमें कहा जा रहा है। ये देख सकते हैं 28, 30, 32, 34, 36 जो भी आपका साइज़ हो वो आप सेलेक्ट कर ले। तो चलिए यहाँ पर हम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं 28। और फिर आपको दोस्तों क्या कर देना है, यहाँ पर बॉय नाउ का एक ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे की ओर बॉय नाउ का ऑप्शन। आपको बॉय नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे बॉय नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर से दोस्तों हमें कंटिन्यू रखने के लिए क्लिक कहा जा रहा है पीले कलर के आइकॉन पर जो आपको राइट साइड में कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं आप हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अब बारी जो हमारी पेमेंट की है। तो दोस्तों हमें कहा जा रहा है कि आप जो पेमेंट किस तरीके से देंगे तो बहुत तरीके के ऑप्शन है कि आप जो पेमेंट UPI ID, क्रेडिट एंड डेबिट एंड ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश ऑन डिलीवरी। तो चलिए दोस्तों हमारा फाइनली जो है वो है कैश ऑन डिलीवरी। तो आपको जो सिंपली कैश ऑन डिलीवरी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिख रहा है, ये देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए हम कैश ऑन डिलीवरी वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये प्लेस ऑर्डर का बटन आ चुका है, ये देख लीजिए प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है। तो आप प्लेस ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर दें। अब जैसे प्लेस ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करेंगे ये देख लीजिए हमारा ऑर्डर कन्फर्म करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये देख सकते हो आपको जो कन्फर्म ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये देख लीजिए दोस्तों ऑर्डर जो है कन्फर्म हो चुका है। बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ एप रिव्यू टेक्निकल सिस्टम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। ये देखिए ऑर्डर हमारा कन्फर्म हो चुका है दोस्तों। चलिए बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।